हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 18 जून 2019 और आज के इस लेक्चर में हम कल की और आज की दोनों की न्यूज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। कल किसी कारणवश डिस्कशन है वो हो नहीं पाई थी, तो उस दिन की न्यूज़ को भी आज हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो देखते हैं सबसे पहले जो आर्टिकल, सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है किम्बरले प्रोसेस को लेके। देखो हाँ, एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स हैं वो अब वो 90 बन रहे हैं, कोई कह रहा था कि मेरे 104 हैं, इस तरीके से अलग अलग मार्क्स बन रहे हैं कि मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो मेंस की प्रिपरेशन तो आपको करनी ही चाहिए, ऑब्वियसली होना या ना होना वो एक अलग बात है, क्योंकि देखो अभी ये जो टाइम पीरियड है ना, अगर इसमें आप मेंस की प्रिपरेशन कर लेते हो ना तो वो आपके लिए फ्यूचर में भी बेनिफिट है वो देगी। ऐसी कोई जरूर बात नहीं है कि आप अगर अभी मेंस की तैयारी नहीं करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट, मतलब कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको ऑब्वियसली तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप तैयारी नहीं करोगे, आंसर राइटिंग है कि प्रैक्टिस है वो नहीं करने वाले हो, तब तक कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप जानते हो कि प्री के बाद में बहुत कम टाइम होता है मेंस के लिए, और उस टाइम पीरियड में अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करने बैठोगे मेंस की तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बेटर ये कि आप मेंस की प्रिपरेशन पहले से ही तैयार करके रखो, क्योंकि आप खुद जानते हो, जैसे मान लो कि जो मेंस है वो आपको पता है कि लगभग 20 सितंबर के आसपास मेंस हैं, तो बहुत कम टाइम पीरियड है। इतने कम टाइम पीरियड में आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज है वो नहीं कर पाओगे, ना ही उनको आप ढंग से पढ़ पाओगे। तो उसके लिए आपको पहले से स्ट्रेटजी बना के रखनी थी कि पहले से सारा कंटेंट है वो पढ़ के रखना था। तो वही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जिसको भी ऐसे डाउट हो रहा हो कि यार मेरा होगा नहीं होगा, उस बात को आप छोड़ दो, क्योंकि आपका काम था पेपर देना, हो गया बस वहीं तक। इसके बाद अब आपको मेंस की तैयारी पे लग जाना चाहिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रिपरेशन आपको आगे हेल्पफुल है वो रहेगी। और अगर हो रहा है तो और भी अच्छी बात है, आपको जब आगे टाइम रहेगा मतलब मेंस के एग्जाम में तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल है, वो सपोर्ट देने वाली है। तो ये थी इम्पोर्टेंट डिस्कशन न्यूज़ स्टोरी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपने ये सुझाव दिया था कि सर जो पहले डिस्कशन हो रही थी मतलब हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में, आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। तो ठीक है, हम उसी डिस्कशन को वापस लेके आने वाले हैं, बट उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। धीरे धीरे हम वापस अपने उस डिस्कशन के फ्लो में है वो आ जाएंगे। वही हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, और उनकी जो PDF है या आपकी जो फोटो फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम पे जो चैनल है वहाँ पे प्रोवाइड है वो कर दी जाएगी। तो जो आज का पहला आर्टिकल है वो है किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रोसेस है क्या? यूपीएससी इस पे ऐसे पूछ सकती है कि भाई किससे रिलेटेड है, या कोई एक एनजीओ है या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? देखो यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। किस चीज़ की एग्रीमेंट है? जो रॉ मेटेरियल डायमंड होते हैं ना, मतलब कि जो डायमंड खमाइन से या खानों से निकाले जाते हैं, फिर उनको आगे इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है और फिर वो ज्वेलर्स वगैरह के पास के रूप में यूज है वो किए जाते हैं। तो जो पहले रॉ डायमंड, या हम बात करें कि कच्चा जो डायमंड है, या हम बात करें एक तरीके से कि रफ डायमंड बोन जिन्हें नॉर्मली बोला जाता है, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनका ट्रेड है उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने के लिए किम्बरले प्रोसेस है वो स्टार्ट की गई थी। इंडिया इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस का फाउंडिंग मेंबर है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। और काम क्या है इसका? इसका काम यही है कि भाई साहब जो अवैध तरीके से जो भी डायमंड माइन किए गए हैं वो मेन स्ट्रीम में ना आ सकें, केवल जो सर्टिफाइड माइन डायमंड है, रफ डायमंड है, वो ही केवल इस प्रोसीजर में आगे चलें, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो और जो डायमंड इंडस्ट्री है इसको रेगुलेट भी आगे किया जा सके। इसके साथ ही क्या बात है, एक फैक्ट ये है कि जो ये किम्बरले प्रोसेस है ना, इसको डिस्क्राइब किया गया है कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन में। तो बस एक ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो किम्बरले प्रोसेस का ये प्रक्रिया है, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा नहीं लगी गई है, बस इसके बारे में वहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे मारियस ट्राइब को लेके हैं। तो क्या है ये अबूज मारियस ट्राइब? देखो कंटेक्स्ट ये है कि जो अबूज मारियस ट्राइब बना, ये बेसिकली पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में काउंट है वो की जाती है। कहाँ पे है ये? बेसिकली जो अंबु मार्ज फॉरेस्ट कहाँ पे आई है? बस्तर, जहाँ पे आपको पता है कि नक्सलवादियों को काफ़ी बड़ा गढ़ माना जाता है, उस एरिया में ये ट्राइब है वो रहती है, जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता है। और अभी कंटेक्स्ट क्या है? अभी कंटेक्स्ट इस ट्राइब को लेके आया है कि ये जो ट्राइब है ना, इसका खुद से ही तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है, मतलब खुद अपना ही तरीके से इसको अपने आप को गवर्न है वो करती है, बाहर के कोई रूल पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसी के साथ ये जो ट्राइब है ना, इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भी कुछ राइट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं कि भाई फॉरेस्ट के जो माइनर प्रोडक्ट्स हो गए, फॉरेस्ट के अंदर रह सकते हैं वगैरह वगैरह, इनको सपोर्ट गाइडलाइंस हैं या बोल सकते हो कि राइट हैं वो दिए गए हैं। रिसेंटली छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है ना, उसी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि भाई जो ये अबूज मारियस ट्राइब है ना, इसके हैबिटेट राइट है, इनको आगे प्रोसेस किया जाए और इनको कंजर्व है वो किया जाए। तो
अब हम थोड़ा देखते हैं कि भाई पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप हैं वो क्या हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG, जिसके बारे में इस बार UPSC ने 2019 में क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चन में बेसिकली क्या गलत था वो आपको पता ही होगा, खैर हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस भी किया है। देखो जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ना, वो बेसिकली वो ट्राइबल ग्रुप है जो कि 4 क्राइटेरिया के आधार पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। या तो वो बहुत ही पुराने तरीके के जो आदिम तरीके की कृषि परंपरा है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब पुराने तरीके की कृषि जो टेक्निक है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें सडन डिक्रीज होता जा रहा है और उनकी पॉपुलेशन पहले से काफी कम हो गई है, या इसी के साथ उनके अंदर जो साक्षरता का लेवल है वो बहुत ही कम है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे लो लिटरेसी लेवल है वो उनके अंदर पाए जाते हैं। इसी के साथ ही उनकी इकोनॉमिक लेवल काफी मतलब डाउन है या बहुत कम उनकी इकोनॉमिक हालात हैं। इन क्राइटेरियो के आधार पे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को आइडेंटिफाई है वो किया जाता है। अभी हम बात करें तो हमारे देश में 75 ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप का दर्जा है वो दिया गया है। वैसे इंडिया में लगभग 705 शेड्यूल ट्राइब हैं, बट उसमें से सबसे वल्नरेबल ट्राइब की बात करें तो वो 75 ही हैं। यूपीएससी ने यहीं पे ट्रेप दिया था, यूपीएससी ने इस बार दिया था स्टेटमेंट कि भाई 95 PVTs ग्रुप है, नहीं 75 थी। कहाँ पे हैं? लगभग 18 स्टेट के अंदर फैले हुए हैं, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें इन ट्राइब्स की तो वो आती हैं उड़ीसा में। बस ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप हैं वो हाईएस्ट नंबर हुआ उड़ीसा में, इसके बाद में आंध्र प्रदेश में है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स को लेके। देखो यह एक इंडिया का प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, किसके लिए? रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए, मतलब रेडियो एस्ट्रोनॉमी है, इसके लिए स्टडी या रिसर्च करनी हो उसके लिए सेंटर है वो बनाया गया है। कहाँ पे है ये? यह पुणे में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पुणे के अंतर्गत ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बनाया गया है। और बेसिकली ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो फंडामेंटल रिसर्च है मुंबई में, उसी की एक ब्रांच है, उसी का एक पार्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। काम क्या है इसका, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स का? इसका काम ही है कि भाई एस्ट्रोनॉमी हुई, इसके साथ ही एस्ट्रोफिजिक्स हुई, यानी सीधी सी बात आपको कहूँ कि ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है, जैसे कि सन की स्टडी करनी हो, इसी के साथ ही जो हम बात करें यहाँ पे इंटरस्टेलर स्पेस है इसके बारे में स्टडी करनी है, और गैलेक्सी है, कॉस्मोलॉजी है, इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए इस एस्ट्रोफिजिक्स का यूज है वो किया जाता है। इसके द्वारा एक जो रेडियो टेलीस्कोप बनाई गई थी वो आपको ध्यान में रखनी है, वो थी गेंट मैटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि कहाँ पे? ऑब्वियसली है पुणे में ही है। इसके साथ ही एक टेलीस्कोप और थी ऊटी के अंदर, ऊटी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऊटी में जो टेलीस्कोप लगाई गई थी रेडियो टेलीस्कोप वो सिलेंड्रिकल शेप में थी। तो बस ये दो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो GMRT ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UPSC पूछ सकती है प्रीलिम्स में कि भाई GMRT है वो किससे रिलेटेड है, वो अभी न्यूज में वगैरह था इससे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है यहाँ पे उग्रा तारा टेम्पल को लेके। कंटेक्स्ट क्या है वो भी हम देखेंगे, पहले उग्रा तारा टेम्पल के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखो जो तारा देवी है इसके आधार पे उसकी जो शक्ति पावर है उनके नाम पे इस देवी का मंदिर है वो बनाया गया। कहाँ पे है ये? आसाम के गुवाहाटी में। और बेसिकली ये बनाया गया था 1725 AD टाइम पे, किसके द्वारा? शिवा सिन्हा किंग के द्वारा। तो ये दो फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के नजरिए से। इंपॉर्टेंट बात क्या है इस मंदिर की? इस मंदिर में कोई देवी या देवता की फोटो नहीं है, बस वहां पे एक छोटा सा गड्ढा है और उसमें पानी भरा रहता है और उसी को देवी का दर्जा है वो दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पे कोई मतलब मूर्ति नहीं है, ना ही कोई पिक्चर वगैरह इमेज है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। न्यूज में इसलिए था कि रिसेंटली जो ब्लैक शॉर्ट शेल जो टर्टल यानी कि कछुए की एक प्रजाति है उसको कंजर्व करने के लिए इस टेम्पल के में एक तालाब है, उस तालाब को अभी रिकॉग्नाइज है वो किया गया है, उसको आइडेंटिफाई किया गया था कि वहाँ पे ब्लैक शॉर्ट शेल टर्टल को कंजर्व है वो किया जाएगा, तो इसीलिए वो ये तारा देवी का टेम्पल न्यूज में है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ब्लैक शॉर्ट शेल टर्टल के बारे में। देखो जो ब्लैक शॉर्ट शेल टर्टल है ना, ये बेसिकली अगर हम बात करें इसको यहाँ पे बोत्समामी टर्टल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको कई बार सॉफ्ट शेल टर्टल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेनली इंडिया और बांग्लादेश वाले रीजन में पाया जाता है। और ये ध्यान रखना है फ्रेश वाटर टर्टल है। UPSC पूछ सकती है सॉल्ट वाटर टर्टल है, नहीं भाई साहब सॉल्ट वाटर नहीं है, ये फ्रेश वाटर वाला टर्टल है। अब हम बात करें IUCN के स्टेटस की, तो देखो IUCN में अगर इसका स्टेटस है वो काफ़ी मतलब खतरे में भरा हुआ है। IUCN में इसको एक्सटेंस लिस्ट में शामिल है वो किया गया, मतलब लुप्त होने वाले कैटेगरी की तरफ ये अग्रसर है।
और बेसिकली जो सोरसा टर्टल का ओरिजिन है इसका, वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। और आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि आसाम से होते हुए फ्लो करती है, तो इसलिए उस वाले एरिया में है पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा। डेजर्टिफिकेशन का मतलब मरुस्थलीकरण। अब देखो, मरुस्थलीकरण कई तरीके हो सकता है। लोगों के दिमाग में आता है कि मरुस्थलीकरण का मतलब वहां पे तो सिर्फ बालू या सेंड ही पाई जाती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बालू जहाँ पे पाई जाती है वहीं पे केवल डेजर्ट बनते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो सबसे ज़्यादा डेजर्ट का हिस्सा है वो राजस्थान में है, जिसका नाम है थार डेजर्ट। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो कुछ डेजर्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में, जो लद्दाख वाला रीजन है उसमें है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बना हुआ है वो। इसके साथ ही कुछ हिस्से का अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी है कुछ हिस्सा थोड़ा सा, और थोड़ा सा हिस्सा हम बात करें तो कर्नाटक में भी आ जाता है वो, मतलब आंध्र और कर्नाटक वाले बॉर्डर के हिस्से पे है। अब देखो, इस बार का जो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन माना गया है वर्ल्ड डे, जो कि आपको पता है हर साल 17 जून को आइडेंटिफाई है वो किया गया है, तो इस दिन इसको आइडेंटिफाई है मतलब मरुस्थलीकरण दिवस को मनाया जाता है। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट रखे गए हैं, 15 टोटल 17 गोल्स हैं, उनमें 15वां जो टारगेट है वो फोकस करता है डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन को लेके। अगर हम इस बार की थीम करें, देखो थीम यूपीएससी वैसे ज़्यादा नहीं पूछती है, क्योंकि थीम से पता चल जाता है वैसे थोड़ा थोड़ा आइडिया, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर रिफ्लेक्ट 25 ईयर प्रोसेस एंड इनोवेशन नेक्स्ट 25 ईयर्स। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे जो लैंड है ना, या तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, या फिर वहाँ पे जितनी पहली मात्रा में, मतलब जितना पहले फॉरेस्ट होता था उससे फॉरेस्ट लगातार कम होता जा रहा है। जैसे मान लो कि पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ थे, अब वहाँ पे गिने चुने पेड़ हैं, और थोड़े दिनों बाद वहाँ पे धीरे धीरे पेड़ खत्म से हो जाएंगे, तो वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ अग्रसर है वो हो रहा है। इसी के साथ हम बात करें कि ये कोई जरूरत नहीं है कि भाई डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे प्रजाति बिल्कुल पाई नहीं जाती हैं। कुछ मात्रा में देखो पर स्पीसीज हैं वो पाई भी जाती हैं। जैसे आपको पता है कि थार डेजर्ट में कुछ तो स्पीसीज हैं, वो प्रजाति हैं, वो ऑब्वियसली पाई जाती हैं, जो कि बहुत कम क्वांटिटी या कम मात्रा में होती हैं। अब हम बात करें डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण के रीजन क्या क्या हैं। सबसे बड़ा रीजन है वाटर इरोजन, इसके बाद में है वेजिटेशन डिग्रेडेशन, इसके बाद में है विंड इरोजन, इसके बाद में काफ़ी सारे और भी रीजन्स हैं। सैलिनिटी भी एक मेजर रीजन है, और ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर हम बात करें, ह्यूमन सेटलमेंट है वो भी एक अहम कारण है। अब आपको पता होगा कि डेजर्टिफिकेशन के लिए कन्वेंशन भी थी, जिसका नाम था UNCCD। ये यूनाइटेड नेशन वाला CCD है, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देखो, जो UNCCD है ना, इसको बनाया गया था 1994 में, और यह ध्यान रखना है लीगली बाइंडिंग है। ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट है कि UNCCD है वो लीगली बाइंडिंग है। काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि भाई जो एरिया ऐसे ड्राई लैंड वाले एरिया ना, उनको स्पेसिफिकली एड्रेस है टारगेट के लेके, वहाँ पे डेजर्ट है उसको मतलब ख़त्म किया जाएगा। अब देखो, डेजर्ट को ख़त्म करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। जैसे एक तो वहाँ पे ऐसी पेड़ पौधे लगाए जाएं जो कि मतलब कम पानी में भी अपने आप को झेल सकते हैं, या कम पानी में भी अपने आप को ग्रोथ है वो सुनिश्चित कर सकें। तो इस तरीके की काफ़ी सारी प्रोसेस ली जाती हैं, वहाँ पे कैनाल वगैरह लाई जाती हैं ताकि पानी हो वहाँ पे, और जो जो वेजिटेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मेनली तीन टॉप ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेजर्ट है। सबसे ज़्यादा तो है राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, इसके बाद में लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ये बताओ लाहौल एंड स्पीति कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और फिर आता है कारगिल, कारगिल तो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर में है। लाहौल एंड स्पीति, ये बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे। तो देखो, ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।